हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फसलों में जो हम स्टिकर का या जो दवाई या इंसेक्टिसाइड के साथ हम स्टिकर मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो क्या उससे असल फायदा होता है या नहीं होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि ये दो हमारे पास सोयाबीन के पत्ते हैं। अब इन पत्तों के ऊपर हम पानी डालते हैं, एक एक बूंद। ये हमने जैसे कि पानी डाला है और इसके ऊपर भी हम पानी डालते हैं। ये हमारे पास सिलिकॉन बेस्ड चिपको है। जैसे ही हम इसके ऊपर डालते हैं, देखते हैं कि इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। देखिए, इस सिलिकॉन बेस्ड चिपको के से जैसे ही डालते हैं हम, तो इससे इसका पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ये पत्ते पे पूरी तरह फैल जाता है। अब बात करते हैं हम एक शैम्पू की, कि क्या शैम्पू भी स्टिकर की तरह काम करता है। तो जैसे कि हमने एक शैम्पू लिया, अधिकतर किस अब हम एक बूंद शैम्पू लेते हैं और इसके ऊपर डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको होता है वो पत्ते के ऊपर, पूरे पत्ते के ऊपर अपने इंसेक्टिसाइड को पूरी तरह से फैला देता है। जबकि शैम्पू में अगर हम देखें तो ये शैम्पू इतना कारगर नहीं है जितना कि हमारा सिलिकॉन बेस्ड चिपको काम करता है। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि हमें सिलिकॉन बेस्ड चिपको का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखेंगे हम दूसरी ओर के, अगर हम 2 गिलास लेंगे कि सिलिकॉन बेस्ड चिपको कैसे काम करता है इंसेक्टिसाइड में। सबसे पहले हम इसके 2 गिलासों के अंदर पानी डालेंगे। हमने पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर हम लेंगे हमारा सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डालते हैं और थोड़ा सरसों का तेल इसमें डालते हैं। अब इसके अंदर हम एक बूंद सिलिक चिपको डालते हैं, फिर जिसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहता है। आप इसके अंदर देख सकते हो कि सरसों का तेल, आप इसके अंदर देख सकते हो कि सरसों का तेल पूर्ण रूप से घुल चुका है सिलिकॉन बेस्ड चिपको के इस्तेमाल वाले में। और हमने जिसके अंदर नई चिपको का इस्तेमाल नहीं किया था, वो हमारा पानी अभी नहीं घुला है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिलिकॉन बेस्ड चिपको से हमें इंसेक्टिसाइड को घोलने में काफी फायदा होता है। हम स्टिकर मिलाकर फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो फंगिसाइड रोम छिद्रों के माध्यम से पत्तियों के अंदर चला जाता है और इसका रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।